अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह का नाश्ता चल रहा है और मैंने आज नाश्ता पता है क्या बनाया अपना। मैंने रात को बनाए थे आलू और अंडे का सालन, तो मैंने इसके अंदर की चीज़ लगाया और वो अंडे का सालन लगाया, मेरा नाश्ता रेडी। और वो मेरी बेटी जो है वो भी बैठकर नाश्ता कर रही है। नाश्ता कर लिया डन, और ये देखिए अब मेरी बेटी खाना नाश्ता खाने के बाद कहती है मामा मुझे मफ़िन दे दे, और ये इतने इतने बड़े साइज़ के मफ़िन हैं कि बड़ा बंदा एक पूरा नहीं खा सकता, तो इसलिए उसको मैं ये छोटा काट के दे रही हूँ। अरे ये लो बेटा। इसके अंदर है, अच्छे से बाइट करके खाना। ओके, जी नाश्ता भी हो गया डन, अब शुरू करें अपने दिन की मजदूरी। और ये देखे तोबा तोबा, ये लड़के पता नहीं क्यों इतने मैसी क्यों होते हैं। ये मेरे बेटे, बेटों का कमरा है दोनों का, और ये सुबह स्कूल उठ कर गए हैं, और कमरे का हशर देखें इनका। तोबा, ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ये मैंने इन लोगों के वो टेबल्स मंगवाए हुए हैं रूम में, अभी ये सेट करने हैं, असेंबल करने, और हर चीज़ ऐसे ही फैली हुई है। तोबा, और ये बॉटल्स का, और ये मुझे नहीं समझ आती भाई, रात को इतना पानी, और पता नहीं इन्होंने अपने अंदर गंदम या वो चावल उगाए हुए हैं, इतना पानी तोबा पीते हैं। तो बस अब एक एक करके इसको सफाई करें, घर की सफाई करें, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ खाना पीना। अब लग रहा है ये कमरा, शुक्र है तौबा। चले जी, कमरा हो गया डन बच्चों का। हाँ, कुछ दिनों से मौसम इतना अजीब हुआ हुआ है इधर। लास्ट वीक यहाँ पर इतना मौसम ठंडा था कि फ्रीजिंग टेम्परेचर हुआ हुआ था, -45 और 50 तक भी गया हुआ था, और इतनी स्नो हुई थी कुछ स्टेट्स में। यहाँ पर तो खैर स्नो नहीं हुई, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन इतना अजीब कि 3-4 दिन तो बड़ा फ्रीजिंग रहा, और फिर एकदम से मौसम इस तरह हो गया जैसे समर होती है, बिल्कुल फ्रीजिंग से एकदम से जो है वो इतना वो हो गया कि ऐसे लग रहा था जैसे गर्मियाँ आ गई हैं। इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर था यहाँ पर सर्दी में, और फिर एकदम से गर्म हो गया। बहुत ही अजीब सा वेदर हुआ हुआ इधर, और पता नहीं वेदर के लिए फिर अजीब अजीब बातें और सारा कुछ भी सुनने को मिल रहा है, समझ नहीं आती, पता नहीं क्या है। पर अल्लाह रहम ही करे। मेरा बेटा आ रहा था स्कूल से, तो मैंने कहा कि मैं निकल के, वो दूर से आपको नज़र आ रहे हैं ये स्कूल से आ रहे हैं, ये बिल्कुल रोड के एंड पे आप देख रहे हैं जहाँ से गाड़ियाँ गुजरी, यहाँ पर आकर जो स्कूल बस है वो ड्रॉप करती है। हाय तहामी, बस फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई, और मैंने पालक पनीर बनानी थी आज, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, सोचा कि कर लेती हूँ, काफ़ी अरसे से प्लान कर रही थी लेकिन ट्राई नहीं किया, तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। और मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक था कि पालक पनीर बनाऊं, तो मैंने सोचा कि चलें आज बना लेते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा जो होता है ना, मेरे घर में एक इशू होता है कि जी आज बनेगा क्या, रोज़ की एक टेंशन होती है मुझे, क्योंकि बच्चे हैं वो सब्ज़ी दाल नहीं खाते, और फिर रोज़ाना चिकन भी अगर बनाना है तो वो चेंज कर कर के क्या बनाना है, तो मुझे हमेशा ये बस कन्फ्यूजन ही रहता है कि आज बनेगा क्या। तो वैसे भी मेरे घर में सुबह का नाश्ता किया जाता है और उसके बाद रात का खाना, दिन के टाइम पे कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उनको मैं लंच पैक करके दे देती हूँ जब वो वापस आते हैं 4 बजे, तो उस वक्त खाना वो नहीं खाते हैं, तो सीधा फिर डिनर ही होता है। तो बस पालक पनीर बनाई और अच्छी बन गई, मेरे हस्बैंड को पसंद आ गई जिनकी फरमाइश थी, तो बस फिर मेरा काम हो गया। और ये पनीर भी जो है ये मैं लेकर आई थी, यहाँ पर ज़रा महंगा ही मिलता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज थी कि पता नहीं कैसी बनेगी, लेकिन खैर फर्स्ट ट्राई थी, अच्छी रही, कामयाब रही, हस्बैंड को पसंद आ गई।
बच्चों के लिए फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है कुछ और बनाना पड़ा, क्योंकि बच्चों का तो यही होता है कि उन्होंने कोई सब्ज़ी दाल नहीं खानी है। तो बस डिनर की भी तैयारी हो गई, डिनर हो गया रेडी। उसके बाद डिनर रेडी करने के बाद मैं चली गई थी स्टोर में, कुछ कपड़े मंगवाए हुए थे तो बस इसी तरह वो रिटर्न करने थे, उनके साइज़ वगैरह ठीक नहीं थे तो वो जाकर मैंने वापस किए। और मैं घर से सोच कर आई थी कि मैंने अंदर आगे मॉल में कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अगर अंदर एक दफ़ा आ जाओ ना तो कोई ना कोई चीज़ बंदा ख़रीद लेता है और देर भी बहुत हो जाती है। तो आज बस मैं पक्का दिल करके आई थी, तो बस जल्दी जल्दी मैं कस्टमर सर्विस पे गई और वहीं पर जाकर मैंने जो कपड़े रिटर्न करने थे किए, और ज़्यादा देर नहीं लगी, जल्दी से बस ये काम हो गया और बस फारिग हो गई। और शाम भी हो रही थी तो बस जल्दी से अपने रिटर्न किया कपड़े और फिर घर वापसी। और ये मेरी बेटी फर्स्ट टाइम जो है वो हॉवरबोर्ड चलाने की कोशिश करती है, उसे शौक बड़ा है लेकिन मैं चढ़ने नहीं देती क्योंकि अभी बिल्कुल वो अपना बैलेंस नहीं कर पाती है, तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं गिर वेर ना जाए, कोई चोट ना लग जाए। ठीक, भाई आपको पकड़ के रखेगा, डोंट वरी। गिरना चाहा। बस इसी तरह आज का दिन भी हुआ मुकम्मल, और दिन के एंड में फिर मैं अपने फेवरेट गाजर के हलवे के साथ अपना फेवरेट शो देखा और दिन इसी तरह हो गया कंप्लीट। फिर होपफुली आपने भी इंजॉय किया होगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।